सपने दिखाए और कहां लाकर छोड़ा, ये सवाल इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को एक ऐसा तमगा मिला है जिसकी उम्मीद शायद बनारस को कभी ना थी। देश के 10 साफ शहर और 10 गंदे शहरों की लिस्ट निकली और पता चला कि स्मार्ट सिटी के सपने देख रहे बनारस का नाम देश के सबसे ज्यादा गंदे शहरों में शुमार हो गया है। सवाल बड़ा ये कि 2 साल गुजरने के बाद भी बनारस की हालत क्यों नहीं बदली? क्या काशी की तरक्की के अब तक के नारे सिर्फ चुनावी जुमले थे? बनारस की कहानी देखिए बनारस की जुबानी। मैं बनारस हूं, गंगा की कलकल करती जलधारा से तरबतर मैं बनारस हूं। मेरे अतीत में जाइए तो इतिहास का और छोर तलाशते रह जाएंगे आप। मुझे समझने निकलिए तो एक बार में समझ नहीं पाएंगे आप। मेरे मंदिरों से गूंजते घंटे घड़ियाल के स्वर, मंत्रोच्चार में आध्यात्मिक अनुभूति तलाशते पथकों की जिजीविषा, सब कुछ अद्भुत है यहाँ। मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरा नक्शा बदल दो। मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे ब्रिटेन और अमेरिकी शहरों जैसा बना दो। वो बन गया तो मैं मिट जाऊंगा। मैंने तो सिर्फ खुद का अस्तित्व मांगा था। मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं जो हूं बस वही मुझे रहने दो, जितना हूं उतने में ही खुश रहने दो। मैं तो महाकाल का नगर हूं, मुझे सपनों से क्या लेना देना। मैं तो जीवन के अंतिम सत्य का साक्षी हूं। मैंने सपनों की ना कभी चाह की ना परवाह, क्योंकि मैं बनारस हूं। जिसके बनने में ही रस है वो बनारस। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2 साल गुजर गए। मेरे घाट से लेकर मेरी सड़कों तक पर लाखों का हुजूम जुटा था। मैं अवाक भीड़ देख रहा था और भीड़ मुझे। कभी भगवा झंडा लहराया तो कभी केसरिया, कभी तिरंगा लहराया तो कभी टोपियों का हुजूम उमड़ा। गली गली में ठसा ठस भीड़ की आदत थी मुझे, मगर इतनी भीड़, न जाने क्यों मन में आशंका भी हुई, मगर थोड़ा उत्साह भी हुआ। फिर सोचा चलो चुपचाप देखते हैं। भीड़ छट गई, गहमा गहमी खत्म हो गई। फिर वही पुराने तेल में तली कचौरियों की खुशबू, फिर वही शाम की चाय का दशाश्वमेध से लेकर मणिकर्णिका तक, फिर वही कर्मकांडी मंत्रों का शोर। अपनी रौ में लौट आया था बनारस कि अचानक कुछ सपने और दिखने लगे। अखबारों की कतरनी और टीवी की ब्रेकिंग बताने लगी कि मैं बदलने वाला हूं। मैं फिर से सहम गया। बताया गया कि सकरी गलियों के दिन फिरेंगे, मैं थोड़ा और डरने लगा। कहा गया कि चौड़ी सड़कों से चमचमाती रोशनी में नहा जाऊंगा। मैं कसमसाने लगा। तभी अचानक देश के मुखिया ने मेरे घाट पर दस्तक दी। फावड़ा लेकर मिट्टी साफ की। कुछ देर के लिए मेरा सारा डर खत्म हो गया। मैं खुश होने लगा था। हेरिटेज सिटी, क्योटो मॉडल, स्मार्ट सिटी और न जाने क्या क्या शोर आते जाते रहे। वक्त गुजरने के साथ ही आदत सी हो गई थी मुझे। कभी कभी डर दस्तक देता था मेरे जहन में। मैं सोचता था कहीं ये सब कुछ हो जाने के बाद मैं वाकई बदल तो नहीं जाऊंगा।
मैंने दिल थाम कर इंतजार किया। मगर अब इंतजार की इंतहा होने लगी है। मैं सोच ही रहा था कि बताऊं उस गंगा पुत्र को, जिसके भीष्म प्रतिज्ञा के अधूरेपन का दर्द मुझे अभी भी साल रहा है, कि अचानक इस खबर ने मुझे एक बार फिर अवाक कर दिया। बॉटम नीचे कल्याण डोंबिवली महाराष्ट्र 64th रैंक, वाराणसी उत्तर प्रदेश 65th रैंक। तस्वीर बदलने की होड़ में मुझे गंदा बता दिया। उफ, फिर सपने दिखाए क्यों थे? भंग भभूत अगरबत्ती के धुएं, जाम में उड़ती धूल और गलियों में एक दूसरे का पैर कुचलते लोगों की भीड़, इसकी तो मुझे आदत थी। मैंने कब कहा था मुझे क्योटो बना दो? मैंने कब कहा था मुझे बदल दो? मुझे मेरे हाल पे ही रहने देते, सपने ना दिखाते तो शायद ये दिन भी ना देखना पड़ता। मैं बनारस हूँ, पहले मस्त होकर जीता था, अब भी जी रहा हूँ, मगर न जाने क्यों मन में एक गांठ सी बन गई है जो रह रहकर हूक पैदा कर रही है। सोचता हूँ वादों पर यकीन किया तो क्या पाया, वादों के बिना बेपरवाह थी हमारी जिंदगी, मगर तुम्हारे सपनों की सौदागरी ने यकीन मानो दिल तोड़ दिया है। तो बनारस का दर्द तो आपने देख लिया, अब जरा बनारस के रहनुमाओं से भी जान लेते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी के सपने दिखाते दिखाते बनारस को कहां पहुंचा दिया। वाराणसी के मेयर रामगोपाल मोहले से बात की हमारे रिपोर्टर अमित सिंह ने। बनारस की स्थिति लगातार बिगड़ते क्यों जा रही है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनारस के मेयर रामगोपाल मोहले जी हैं। ये क्या हो रहा है सर, ये लगातार जैसे जैसे केंद्र सरकार की पहल हो रही है वैसे वैसे शहर की स्थिति बिगड़ते जा रही है? पहली बात तो जहां मोदी जी ने स्वच्छता शुरू की थी वो 80 घाट जो कि 30 साल तक लगातार कोई जाता नहीं था, आज उस 80 घाट पूरे दुनिया का अंतरराष्ट्रीय से केंद्र बन गया है। नहीं नहीं, पहले 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 मैं 80 घाट कब तक दिखाएंगे? आप देखिए कि आपका शहर लगातार उसकी स्थिति बिगड़ते जा रही है। पहले पहले मेरी बात सुने आप। आपने जो बात शुरू की उस बात की मैं बता रहा हूं, जिस स्वच्छता अभियान को नरेंद्र भाई मोदी ने शुरू किया उस घाट पे 30 साल तक वो मलबा पड़ा था। बनारस के 84 घाट में 2 घाट को छोड़कर और किसी स्थान पर सैलानी नहीं जाता था, आज वो 84 घाट में 70 घाटों पे सैलानी जा रहा है। जो नंबर का जो उनका क्राइटेरिया था उसमें मेन था कि कूड़ा निस्तारण, और दूसरा था सॉलिड वेस्ट, और तीसरा एसटीपी। ये तीनों 2007 से जेएनयूआरएम की योजना के तहत चल रहे थे। एसटीपी नहीं ना प्लांट नहीं चालू है, और डोर टू डोर कलेक्शन 2011 में ही बंद हो गया। ये नरेंद्र भाई मोदी के आने के पहले ही बंद हो चुका था और नंबर इसी पे मेन थे। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, इंडिया 24/7 वाराणसी। और वजह क्या रही और आखिर क्यों गंदे शहरों की लिस्ट में बनारस को शामिल किया गया, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर जो रेटिंग लिस्ट जारी की गई है उसमें बनारस को गंदे शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है, वाराणसी तो पीएम का संसदीय क्षेत्र है, सफाई अभियान की शुरुआत भी, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी यहीं से हुई, और ऐसे में इस लिस्ट में बनारस का नाम होना सवाल तो खड़े करेगा ही ना? लेकिन निश्चित रूप से सवाल खड़े करेगा, चूंकि स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत जिस शहर से हुई, जिस शहर का सांसद देश का प्रधानमंत्री है, और जिस शहर में पिछले एक साल में 150 से ज्यादा बार केंद्रीय सचिवों और 100 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो चुके हों, जिसमें 5 दौरे प्रधानमंत्री के भी शामिल हों, तो निश्चित रूप से सवाल तो खड़ा करेगा ही। जिन मापदंडों के आधार पर यह सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है उस पर कोई काम नहीं हुआ है। खुद मेयर साहब ने बातचीत में इसको स्वीकार किया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन पर जो काम हो रहा था वो 2011 में ही बंद हो चुका है।
उस पर लगातार बात होते रही और अब करीब 15-20 दिन पहले से उस पर काम शुरू हुआ है। एसटीपी बनना अब शुरू हुआ है, डोर टू डोर कलेक्शन जो कूड़े का है वो अब शुरू हुआ है। तो सवाल है कि पिछले पौने दो साल से आप कर क्या रहे थे, तो सवाल तो खड़े करेगा ही। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस बात की जानकारी है, कई दफे वो यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारियों को दिल्ली तलब कर। बिल्कुल अमित, तो फिर क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ चुनावी जुमले थे? आगे आप काम क्यों नहीं कर पाए? देखिए, अगर जमीन पर काम नहीं होगा तो फिर तो जुमले से ज्यादा इसको और कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। नवरत्नों की घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने, वो नवरत्न कहाँ गए? जिस तेजी से काम करने की कोशिशें शुरू हुई थी वो कोशिशें कहाँ खत्म हो गई? और लगातार पिछले साल 418वें नंबर पर था बनारस, 452 शहरों की सूची में, अब एक बार फिर से 73 शहरों की सूची में 65वें नंबर पर है। तो जब स्थिति सुधर ही नहीं रही है तो सवाल तो बिल्कुल अपनी जगह पर कायम है ही कि फिर हो क्या रहा है, दौरे से फिर निकलकर सामने आ क्या रहा है, आपकी कोशिशों और प्रयासों का क्या नतीजा है जब स्थिति लगातार बिगड़ते ही जा रही है? पूर्ववर्ती सरकारों पर या पूर्ववर्ती प्रशासनों पर आप जिम्मेदारी थोप कर बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आप यहां से सांसद भी हैं और इस देश की नजर, पूरे दुनिया की नजर इस देश पर बनी हुई है, इस शहर पर बनी हुई है, देश की नजर इस शहर पर लगी हुई है, और इस शहर की स्थिति अगर नहीं सुधरेगी तो सवाल तो आपसे होगा ही। जी बिल्कुल, तो जो सपने दिखाए गए थे आखिर वो सपने हकीकत क्यों नहीं बने? क्योंकि स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और ऐसे में बनारस को अच्छे शहरों की लिस्ट में शामिल ना करना सवाल कई खड़े कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित सिंह हमें जानकारी देने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान की रेटिंग में यूपी के मेरठ को भी गंदे शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। आखिर क्यों और किस वजह से मेरठ देश के गंदे शहरों में शुमार हुआ? मेरठ से इंडिया 24/7 रिपोर्टर राजीव शर्मा की रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भले ही मेरठ को शामिल ना किया गया हो, लेकिन गंदे शहरों की लिस्ट में मेरठ जरूर शामिल हो चुका है। सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 3 शहरों में मेरठ का भी नाम है। उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजियाबाद और मेरठ सर्वाधिक गंदे जिले घोषित किए गए हैं। अगर मेरठ की बात करें तो सर्वाधिक गंदे जिलों में 69वां स्थान मेरठ को मिला है। मेरठ से राजीव शर्मा, इंडिया 24/7। एक महिला डॉक्टर पूरे देश के लिए मिसाल बनी हुई है। एमपी के इंदौर की रहने वाली डॉक्टर भक्ति यादव 91 साल की है, लेकिन इस उम्र में भी पूरे जोश और जुनून के साथ मरीजों का इलाज कर रही हैं। जिस उम्र में कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जिस उम्र में हाथ कांपने लगते हैं, जिस उम्र में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मध्य प्रदेश की महिला डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रही हैं। बेड पर लेटी मरीज का इलाज कर रही इस डॉक्टर की उम्र 91 साल है। डॉक्टर भक्ति 1948 से मरीजों का इलाज कर रही हैं। उम्र भले ही ढल चुकी हो लेकिन हौसला अभी भी बुलंद है। पेशेंट जैसे शक्ति नहीं हो तो पेशेंट भले ही नहीं देखूं, मुझे खड़े रह के या उठ के बैठ के उठ बैठ ना करूं, लेकिन मेरी मौखिक एडवाइस इतना हर एज ग्रुप के लिए इतना अच्छा रहता है, ऐसा मैं अब कह सकती हूँ। वो अभिमान के बतौर नहीं समझना किसी ने, वो इसके लिए कि किसी को उसका फायदा हो जाए। इंदौर की रहने वाली डॉक्टर भक्ति यादव महिला रोग विशेषज्ञ है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज करवाने के लिए इनके पास आते हैं। बचपन से ही डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाली डॉक्टर भक्ति अपनी आखिरी सांसों तक इलाज करना चाहती हैं, और यही चाहत डॉक्टर भक्ति को 91 साल की उम्र में भी इलाज करने का हौसला दे रही है, वो भी निशुल्क। मेरे को कोई मेरी उम्र पूछता है तो मैं कहती हूँ कि उम्र और ये नहीं पूछना पगार कितना है। मजाक की आदत है ना सब दूर। डॉक्टर भक्ति का मानना है कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो उम्र भी आड़े नहीं आती है। डॉक्टर भक्ति उन डॉक्टर्स के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है, जो रिटायर होने के बाद कुछ नहीं कर पाते हैं, और उन डॉक्टर्स के लिए भी जो चंद पैसों के लिए मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं। शरद व्यास, इंदौर, इंडिया 24/7। और अब बात करेंगे पहाड़ों पर बदलते मौसम की। उत्तराखंड का चोपता, दुगल, विट्टा इलाका इन दिनों बर्फ की चादर ओढ़े हुए है। बर्फबारी और स्कीइंग का मजा लेने के लिए सैलानी यहां का रुख कर रहे हैं।
ये खूबसूरत नजारा है रुद्रप्रयाग के चोपता दुगल्लविट्टा का। कुदरत ने यहाँ अपनी अपार सुंदरता बिखेरी है। यहाँ के दिलकश नजारे हर किसी को अपनी ओर खींच लाते हैं। खासकर सर्दी के इस मौसम में बर्फबारी के बाद यहाँ चारों तरफ सफेद चादर छा गई है। यहाँ की पहाड़ियाँ बर्फ से लदी नजर आ रही हैं, जो कि सैलानियों को खूब भा रही हैं। लिहाजा यहाँ सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। होता क्या है कि स्लोक हमारे क्या है कि भले छोटे पैचेस जरूर हैं, पर इनको विकसित करने की जरूरत है। यहाँ पर हमारे कई सेंटर, छोटे मिनी सेंटर हो सकते हैं, कई बड़े सेंटर खोल सकते हैं, और बिल्कुल अगर इसमें सुख सुविधाएं हमारे पास हों तो ये निश्चित तौर पे है कि ये बहुत एक बढ़िया। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं विगत 5-6 दिन से यहाँ पे हूँ टूरिस्ट, यहाँ पे मतलब यहाँ पे चोपता को किसी नाम देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे है थोड़ा काम और यहाँ पे जो है जो हमें फैसिलिटी वो देने की आवश्यकता। यहाँ की खूबसूरती धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का एहसास कराती है। यही वजह है कि सर्दी के मौसम में बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ का रुख करते हैं। इस बार भी यहाँ बर्फबारी का मजा लेने के लिए बर्फ के खेलों का लुत्फ उठाने सैलानी पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचने वाले लोगों में स्कीइंग करने के शौकीन लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। पर्यटकों की माने तो यहाँ साहसिक खेलों के लिए अपार संभावना है, जिसे बढ़ावा देने की जरूरत है। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के प्रॉपर जो यहाँ पे टूरिस्ट गाइड का काम भी करते हैं, वो लोग इसको करेंगे तो आगे जो है रोजगार भी मिलेगा। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टूरिस्ट अभी चोपता में, हमें मेरे हिसाब से तो ये जगह ऐसी जो रोड एट पे भी अच्छी जगह है कि हमारे जैसे पिलग्रिमेज टूरिज्म को यहाँ पे बहुत माना जाता है और बढ़ावा है उसको। उसके साथ साथ अगर एडवेंचर टूरिज्म को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा हमारे स्टेट। पर्यटन के लिहाज से दुगल्लविट्टा बेहतरीन डेस्टिनेशन बन सकता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण ये क्षेत्र पूरी तरह से उभर नहीं पाया है। अब लोगों को सरकार से उम्मीद है कि इलाके के विकास के लिए रोड मैप जल्द बनाया जाए, ताकि पर्यटन उद्योग का समुचित विकास हो सके। रुद्रप्रयाग से हरिंद्र नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं तीन ऐसे छात्रों से जिन्होंने अपने दम पर एक ऐसी कार बनाई है जो 1 लीटर डीजल में 50 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। तीन स्कूली छात्र और गजब का कारनामा। दिखने में बेहद ही मामूली सी लग रही ये कार उस सोच का प्रतीक है जिसकी मौजूदा वक्त में इस देश को बेहद जरूरत है। इन तीनों छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से ये अनोखी और बेमिसाल कार तैयार की है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 1 लीटर डीजल में 50 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। असी लाख रुपए दे विच एक आम ग्राहक लई सड़क ते उतार सकते हैं, जिस दे विच एसी अते होर कई सुविधावां होणगीआं, जो कि लग्जरी कार जिवें कि वड्डियां गड्डियां होणगीआं हन उन्हां नूं टक्कर देण दे मुकाबले होगी। खास बात ये भी कि एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के इन तीनों छात्रों ने इस कार को बनाने में कबाड़ का इस्तेमाल किया है। इस कार के पहिए स्कूटर के हैं, इंजन थ्री व्हीलर का है, स्टीयरिंग और इसकी छत मारुति कार से ली गई है, और इसका ढांचा इन्होंने खुद तैयार किया है, और इसे बनाने में करीब 30,000 रुपए खर्च हुए हैं। ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਟ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਦੇ ਪਤਲੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਵੀ 30,000 ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਇਨ ਤਿੰਨੋਂ ਛਾਤਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਬਰਾਸਾ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਸਾਹਿਲ ਔਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਕੇ ਟੀਚਰ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇ ਟੀਚਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਮੋਗਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜੁਗਾੜ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਮਦਦ ਸੇ ਇਨ ਤੀਨੋ ਛਾਤਰੋ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿਸ਼ਯ ਮੇ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲੀਏ ਸਸਤੀ ਔਰ ਅਧਿਕ ਮਾਇਲੇਜ ਵਾਲੀ कार साबित हो सकती है। सुनील नागपाल, इंडिया 24/7, फासदिका।
जेएनयू मामले पर आज जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के समर्थन में वामपंथी छात्र संघ के सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। उधर बात करेंगे अब चलिए आगरा की छात्राओं ने चेन्नई बाढ़ से सबक लेते हुए ऐसी डिवाइस तैयार की है जो किफायती तो है ही साथ में ये डिवाइस ऐसे वक्त में भी काम आएगी जब बिजली ठप हो जाएगी। साइकिल चलाने से बिजली पैदा होते हुए हर किसी ने देखा होगा, लेकिन आगरा की इन छात्राओं ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसके जरिए साइकिल से मोबाइल चार्ज हो सकेगा। सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि इन्वर्टर, लैपटॉप, इमरजेंसी लाइट सब कुछ चार्ज हो सकता है। इसे बल्ब जलाए जा सकते हैं, टॉर्च चार्ज की जा सकती हैं और मोबाइल डिवाइसेस सारी चार्ज हो सकती हैं, टैबलेट्स वगैरह चार्ज हो सकते हैं। चेन्नई की जिस बाढ़ ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था उसी त्रासदी के बाद आगरा की इन होनहार छात्राओं को कुछ करने की प्रेरणा मिली। फिर क्या था, ऐसे हालातों से निपटने के लिए कुछ नया करने का ठान लिया और जिले के दृष्टि दयाल बाग स्थित स्कूल में नवी क्लास की इन छात्राओं ने मिलकर अनोखी डिवाइस तैयार की, वो भी सिर्फ 500 रुपए में। Maximum number of people whoever can do this because it's not very high priced, it's very cheap and it's very comfortable and very nice thing. So everybody should do this. So इससे बहुत improvement होगा। कई दिनों की रिसर्च के बाद चार छात्राओं ने साइकिल में बैटरी, कैपेसिटर, वोल्टेज रेगुलेटर, LED लाइट समेत कई उपकरण का इस्तेमाल कर इस डिवाइस को तैयार किया। साइकिल जितनी तेज चलेगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी निकलेगी। साइकिल को एक जगह स्टैंड पर खड़ी करके भी चलाने पर ये डिवाइस काम करती है। छात्राओं की इस पहल से इनकी टीचर भी काफी खुश हैं। छोटे आइडिया से भी बड़े आइडियाज भी बनते हैं। अभी ये लोग छोटी क्लासेस में हैं, 9th क्लास में हैं। आगे यही बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं और कोई भी चीज छोटी तो होती नहीं है। छात्राओं के इस आविष्कार से भी ज्यादा काबिल तारीफ इनकी पहल है और इनकी सोच है जिसकी बदौलत से एक ऐसा डिवाइस तैयार हुआ है जो जरूरत के समय में ज्यादा काम आएगा। आगरा से विवेक पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।